अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरिफ भाई? जी अस्सलाम वालेकुम स्किपर, किधर है जी? वालेकुम अस्सलाम, आप किधर से आ गए? बस देखे आपकी आवाज गूंज रही थी पूरी दुनिया में, मैंने कहा ये कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनिंग नहीं कर रहे? मुझे तो लग रहा है किसी जिम से। मैं अभी भी जिम में हूँ ब्रो। मेहनत कर रहे हो? मुझे ये बताओ, ये मेहनत करते भी हो कि नहीं, सिर्फ जंपे लगाने के लिए घूमते रहते हो? देखो जब जिम आते हैं तो फिर जंपे भी लगती हैं, फिर पता नहीं क्या क्या लगता है। कैसे जा रही है बॉलिंग वगैरह? बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब तो PSL का इंतजार है कि कलंदर को फिर दोबारा चैंपियन बनाए, हैट्रिक करें। इंशाल्लाह आप जरा अपनी या कप्तानी को जरा मजीद चार चांद लगाए। माशाल्लाह से चार चांद तो आप लगाए हुए ऑलरेडी। मेरी ख्वाहिश है कि तीसरी दफा भी आप ट्रॉफी उठाएं। आप लाहौर पहुंचे, हम भी पहुंच रहे हैं लाहौर। बस मैं आप लाहौर पहुंचे तो फिर PSL की तैयारी करते हैं ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ना, आपके बगैर, आपको पता है ना, हमारी मैं और समीन भाई, आपको आपके बगैर हम नहीं जाते लाहौर। आप जब आएंगे तो हम आएंगे। ऐसा ही है ना, अभी तो हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि समीन भाई भी आते हैं और एक अच्छी गैदरिंग होती है। हाँ, समीन भाई को आने दो, फिर मैं भी लाहौर आता हूँ मुझे भी इंशाल्लाह, उन्हीं का फिर इंतजार आपसे है। जिस तरह वो मुलाकात लैंड होगी। करेंगे और आपके साथ ही, मुझे आप इस्लामाबाद से पिक करके साथ ले जाना, मेरे पास गाड़ी नहीं है यार। आप बस आप मोटरवे पे आए, मैं मोटरवे से आपको पिक करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ नीचे तो नहीं आऊंगा। अगर मोटरवे तक आ सकते हो तो आ नहीं नहीं जाओ। जरूर जरूर, आप जिधर मुझे बस जगह बताएं मैं वहां पे पहले खड़ा होऊंगा। बस आप फिक्र ना करें, चलिए गपशप लगाए, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इंजॉय करें। ओके ओके, बाय बाय। बहुत शुक्रिया हारिस भाई। के मोहम्मद हारिस को रिसेंटली सीरीज में पाकिस्तान टीम ने रेस्ट कराया था, तो हारिस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और वो वर्ल्ड कप के प्लान्स में है या नहीं? वर्ल्ड कप के प्लान्स में? जाहिर भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। नहीं, हारिस एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और आई थिंक उसने काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम के लिए, और वो कभी भी प्लान से हटा नहीं है। लेकिन आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाना चाहिए टीम का। दुनिया की सारी भी जितनी भी टीमें हैं उनकी आप देखें कि एक दो तीन टीमें खेलती है एक टाइम पे, तो हमें भी हमारे पाकिस्तान की ऐसी टीम बनानी चाहिए कि वो वनडे, T20 और टेस्ट, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट खिलाड़ी हो। और हारिस हमेशा इस टीम का हिस्सा है, जितने भी लड़के हैं। इवन अभी तो U19 के नए बच्चे आ रहे हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह। तो हमारा फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह नए बच्चों का काफ़ी ब्राइट है, और उम्मीद है कि ये सारे बच्चे पाकिस्तान को अच्छा सा और लंबा रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह।